नगर पालिका की सीमा से लगे बड़गांव ग्राम पंचायत में बनी हाउसिंग बोर्ड की अधीन कैलाश नगर कॉलोनी में पिछले कई महीनों से रहवासी पानी की किल्लत से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। जन सुनवाई के अलावा उन्होंने विधायक, सांसद और नगर पालिका में अपनी समस्या रख दी है, लेकिन अब तक है कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। नगर पालिका अध्यक्ष कॉलोनी वासियों से मिलने पहुंचे तो फिर कॉलोनी वासियों ने अपनी समस्या फिर से उनको बताई। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड को इस मामले में अपनी गलती माननी चाहिए और समस्या का निराकरण उन्हें जल्द ही करना चाहिए, इसका उन्होंने आश्वासन भी दिया। लेकिन अभी भी पानी की किल्लत इस क्षेत्र में बरकरार है। नगर पालिका के टैंकर से पानी की सप्लाई की जाती है, लोग बूंद बूंद के लिए मजबूर बने हुए हैं। पानी के सोलह सराद में से पानी नहीं आ रहा, 20-25 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। नगर पालिका से ही आ रहा था पानी और ये सोलह सराद से पानी बंद हो गया तो अभी तक पानी नहीं आ रहा और एक टैंकर भेजा है पानी इतने दिन में और पानी बिल्कुल, अभी देखो लेट बाथरूम भी बास कर रही है, नहाए नहीं 3 दिन हो गए, पीने का पानी नहीं, पानी कैसे लाएंगे? मैं अपंग भाई पानी कैसे लाऊं? मेरे लड़का अब काम करता है। क्या समस्या आ रही, बात करी आपने आगे बारे में कॉलोनी आने से? बोला उनको, चौकीदार को भी बोला और पाटीदार जी को बोला। क्या बोल रहे हो? कि भाई पानी छोड़ो ना, पहले नगर पालिका से पानी आ रहा था, अब पानी नहीं आ रहा। पानी की समस्या यहाँ पर चल रही है क्योंकि हमने एक ट्यूबवेल भी करवाया था, वो भी पानी नहीं दे पा रहा है। तो अभी हाल फिलहाल हम टैंकरों से जल प्रदाय कर रहे हैं, पर जो रहवासी हैं उससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि ट्यूबवेल का पानी जो आता है टैंकर से वो पानी भी अच्छा नहीं है। तो अभी अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर आए हैं नगर पालिका से, तो हमारी चर्चा वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी भी करवाई है। तो अभी वरिष्ठ अधिकारियों ने एक ट्यूबवेल और करने के लिए परमिशन दे दी है, तो जल्दी उसको एक ट्यूबवेल और करवाएंगे। तब तक नगर पालिका से हम पानी लेंगे प्रति टैंकर, नगर पालिका को भुगतान करके। मतलब अभी नगर पालिका फिलहाल टैंकरों से देगी पानी जब तक दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है। कैलाश नगर कहीं पर भी हैंडओवर नहीं है, जब तक कॉलोनी हैंडओवर नहीं होती है तब तक हाउसिंग बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो पानी और समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करे। अगर ये हैंडओवर कर देंगे तो फिर जहाँ पर भी हैंडओवर होगी उसकी जिम्मेदारी, उस संस्था की जिम्मेदारी रहेगी कि वो पानी की व्यवस्था करे, और हैंडओवर करने के पहले भी इनको पानी की व्यवस्था करके देना पड़ेगा। अगर पानी की व्यवस्था करके नहीं दे रहे हैं तो जो भी एस्टिमेट बनेगा उतना पैसा ये जमा करें।